तो स्वागत है दोस्तों आपका उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में। वीडियो बनाती रहे, जब लाइट आए तो वीडियो बंद कर दी। द्वार भी है यहाँ पे गंगा जल को देख के मन को शांति मिलते। केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार ही आना पड़ता है। प्रजापति दक्ष का मंदिर है और लोग लड़ते हैं बहुत, छोटी छोटी बातें बहस करते हैं, जिससे तो स्वागत है दोस्तों आपका उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में। कहाँ है पहाड़? अरे पहाड़ कहाँ के पहाड़। तो दोस्तों स्वागत है आपका उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में। देखा, इससे सुंदर और कहीं नहीं मिलेगा। इसकी भी वीडियो दिखाऊंगा, पहले आप वापस घर चलते हैं, पहले बार सामान पैक करके फिर आते हैं। सामान सून पैक करने वाली वीडियो तो बनानी बनती है, अगर वीडियो लेंथ थोड़ी बनानी है तो। अब थोड़ा सामान रखेंगे गाड़ी के अंदर, चलेंगे और शुरू करेंगे आज का ट्रैवल। तो दोस्तों हमारी जर्नी राजपुरा से हरिद्वार होने वाली है 200 किलोमीटर की। राजपुरा से सबसे पहले आएगा अंबाला, अंबाला से फिर हम जाएंगे सहारनपुर, सहारनपुर से बीच में रुड़की होते हुए हम पहुंचेंगे हरिद्वार। तो दोस्तों हम जा रहे हैं हरिद्वार। कुछ जगह पे हम जैसे केदारनाथ गए थे तो हरिद्वार स्टे नहीं किया था और हरिद्वार में माथा नहीं टेका था, तो उस चीज़ का मन में था कि केदारनाथ तो जाते हैं हम, हरिद्वार नहीं रुकते। मतलब मैं अपनी बात करूँ, मैं नहीं रुका था, तो अब स्पेशली मैं अपने मम्मी पापा को लेके हरिद्वार जा रहा हूँ। तो अब आपसे सीधा हरिद्वार पहुँच के ही मुलाकात करूँगा, थोड़ा बहुत आपको रास्ते का दिखाता रहूँगा। रमाए रमाए, बाय बाय। तो दोस्तों किया हमारी है फ्यूल कंज्यूमिंग अंबाला के पेट्रोल स्टेशन से। इसका पेट पेट्रोल से भरने के बाद वी हैड टू हरिद्वार। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम हर की नगरी हरिद्वार में। अभी ये व्लॉग ख़त्म नहीं होएगा क्योंकि अभी तो रात को ही पहुँचे तो आपको कुछ देखने को नहीं मिला। अभी देखते हैं और डिनर वगैरह करते हैं, थोड़ा घूमते हैं, थोड़ा आपको भी दिखाते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जो अगला व्लॉग जो होगा ना वो सबसे बेहतरीन होने वाला है। अभी फ़िलहाल जुड़े रहो। तो दोस्तों हम खड़े हैं इस वक्त हर के द्वार हरिद्वार में। जैसा कि आप देख सकते हो पानी, जल, हमारी गंगा मैया बहुत ही अच्छे तेज़ प्रवाह से बहती हुई। बहुत शांत तो नहीं कहूँगा क्योंकि इस वक्त जैसे ऊपर बारिशें वगैरह चल रही हैं, तो बारिशों के करके जो पानी है वो थोड़ा मिट्टी जैसा हो गया है। रात के समय में तो ऐसा दिख रहा है, दिन में अलग रंग होता है इसका। और वो सामने आप देख सकते हैं, वो सामने मनसा माता, मनसा देवी का मंदिर है। दोस्तों यहाँ की सबसे खास बात है कि लोगों का हुजूम हमेशा ही रहता है, 12 महीनों में रहता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गंगा मैया की बहुत मान्यता है। गंगा जल तेज बहुत चल रहा है, काफ़ी मतलब अच्छा माहौल है, शांतमय माहौल है, भीड़ कम है। आगे जाके भीड़ होगी। हम थोड़ा हरर की पौड़ी से ना 500 मीटर थोड़ा पहले खड़े हैं, हम जा रहे हैं वहाँ पर। हरिद्वार का भी एक अपना इतिहास है। माना जाता है कि जब अमृत मंथन के वक्त जब अमृत निकला था तो उसके कलश में से 4 बूंदें जो पृथ्वी पर गिरी थी उसमें से एक बूंद हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गिरी थी। तो वहाँ पे हर 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगता है। मुक्ति का द्वार भी है यहाँ पे, गंगा जल को देख के मन को शांति मिलती है। जब पितरों के टाइम हम उनके नाम की डुबकी लगाने आए हैं गंगा जी में। तो दोस्तों ये है प्रजापति दक्ष का मंदिर। मैं प्रजापति दक्ष क्यों दक्ष प्रजापति जब हंकारा त्रिशूल से शीश उतारा, ये वही वाले प्रजापति दक्ष है। ये
प्रजापति दक्ष का मंदिर है, ये मंदिर है और वहाँ पे हवन कुंड है। वो आपने स्टोरी देखी होगी जब माता सती यहाँ कुंड में आते हैं और वो अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं, तब माता सती को शिवजी भगवान अपने हाथ में लेके घूमते रहते हैं। ये देखो, ये वो उसका स्ट्रक्चर है और वो अंदर दक्ष का मंदिर है। अंदर वीडियो बनाने देंगे तो मैं उनकी नियमों की उल्लंघना नहीं करूँगा, बस आपको ये मंदिर दिखाना था। मंदिर देखो आप, दोस्तों देखा आपने ये दक्ष प्रजापति का मंदिर। हिस्ट्री तो आपको पता ही इस चीज़ के बारे में, बट ना बुरे हालात है वैसे यहाँ पे ना, छोटी चीज़ के लिए इतने पैसे, रेट बहुत ज़्यादा है। मतलब लगता नहीं मुझे कि यहाँ पे इतना ऐसी कोई प्रॉब्लम हो खाने पीने की, जो इतना महंगा रेट कर रखा है। बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से लुटमार होती ना वो चीज़ का है, और लोग लड़ते बहुत है, छोटी छोटी बातें बहस करते हैं, चिढ़ते हैं, लेना लो कुछ मान, नहीं लेना मत लो, एहसान मत करो, उस टाइप का थोड़ा सिस्टम है। मतलब पहले ज़माने में आते थे तब क्या बात होती थी, और अब लगता ही नहीं है। लोगों की गलती नहीं है कि यहाँ पे टूर स्पॉट बना दिया है, तीर्थ स्थल, क्योंकि यहाँ के लोग भी जब पहले तीर्थ स्थान वाले जैसे होते थे, लगता था कि किसी तीर्थ स्थान पर आया, बट यहाँ पर ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा लगता है सुपर मार्केट के अंदर आया, मोल भाव करो, अपना सामान लो और चले जाओ। बहुत बुरे हाल हो गए यहाँ पर।